अस्सलाम वालेकुम, माय नेम जावेद इकबाल एवान। ट्रेवल गाइड वेब एप्लीकेशन की फोर्थ वीडियो में मैं आप लोगों का वेलकम कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे मैंने अभी इम्प्लीमेंट किया है, एक लेआउट बनाया है, यानी यूज़र लेआउट हम बनाएंगे। और उस यूज़र लेआउट के अंदर जो हम ट्रेवल के हवाले से कोई भी अगर यूज़र हमारी वेबसाइट को विज़िट करेगा तो वहाँ अपने पैकेजेस और सर्विसेज वगैरह बताएंगे। तो उसके हवाले से ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज पहली रिकॉर्डिंग वीडियो, जिसमें मैं लेआउट इंप्लीमेंट करना बताऊंगा। मैंने एक सिंपल सा एक टेम्पलेट लिया है W3 लेआउट से, और उस टेम्पलेट में मैंने कुछ चेंजिंग की, कोई पिक्चर्स वगैरह चेंज किए। तो एक स्लाइडर मैंने बनाया है, उस स्लाइडर के अंदर जो है वो मैंने यहाँ पे साथ में टेक्स्ट भी लिखा है, जो टेक्स्ट भी शो हो रहा है। रीड मोर का बटन दिया है, जो मैं बाद में क्लिक करने पर मज़ीद एक पेज व्यू बना के उसको लिंक कर दूँगा इसके साथ। और कॉन्टेक्ट अस में मैं अपने कॉन्टेक्ट अस का जो पेज होगा उसके साथ इसको लिंक कर दूँगा। इस तरह से यहाँ से मैंने जब फेसबुक और ट्विटर वगैरह के यहाँ पर लिंक्स भी दिए हुए, इसको भी चाहे तो अपनी वेबसाइट के साथ अपने आईडी के साथ इसको भी जो है लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा टूर को सर्च करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो ईमेल आईडी का एक पैटर्न दिया है, और साथ में जो है मैंने कुछ ऑफर्स वगैरह यह मैंशन किए हैं ड्रॉपडाउन के अंदर सिलेक्शन बॉक्स में, जो यहाँ से बाद में मैं सर्चिंग करने पर एक व्यू पे ओपन करूँगा और वहाँ पर जो उसको ऑफर में डिटेल में मैं डिस्क्राइब करूँगा। अबाउट अस का इस पार्ट दिया है, अबाउट अस के बारे में थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, और इसके बाद जो है रीड मोर के बटन पे मैं अबाउट अस का पेज पे उसको ले जाऊँगा। और सर्विसेज जो हमारे पास सर्विसेज है उसके लिए चाहते हैं, मैंने पिक्चर्स वगैरह दी है, CSS वगैरह उसी टेम्पलेट के अंदर ही बनी हुई थी, मैंने पिक्चर्स वगैरह चेंज किए हैं। और उसमें जो है कि आप ये हमें पता चल जाएगा, यूज़र को मालूम चल जाएगा कि हमारी एयर ट्रेवल सर्विस भी है, बाई ट्रेन सर्विस भी है, और साथ में बाई रोड सर्विस भी। आप जो चाहे इसके अलावा भी सर्विस ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सप्लोर ऑल सर्विसेज पे मैं इसको सर्विसेज वाले पेज पे लिंक कर दूँगा, जहाँ पे सर्विसेज मज़ीद जितनी भी सर्विसेज होंगी, क्योंकि हमने तो वैसे CMS सिस्टम बनाया, यानी एडमिन जो है वो सर्विस को ऐड करेगा और पैकेजेस ऐड करेगा, तो वो उसको जो पेज पे जो ऐड करेगा मैं इसके इवेंट पे उस पेज पे ले जाऊँगा, जहाँ वो एडमिन जितनी भी सर्विसेज ऐड की हुई होंगी पैकेजेस के साथ, पेमेंट के साथ और डेज वगैरह मैंशन करके, वो जो है वो उस पेज पर जाके उसको देख सकेगा। इसके अलावा आवर टीम में आके मैंने यहाँ पे तीन चार पिक्चर दे दिए, गाइड वगैरह हमें देना चाहें तो हम दे सकते हैं इसके अंदर डिटेल में। फ़ोटो भी मैंने इसी टेम्पलेट का ही उठाया, कोई चेंजिंग नहीं की है। मेन्यू बार जो है मैंने यहाँ पे दे दिया, मेन्यू बार पे लिंक दे दूँगा। ये हमारा इंडेक्स वाला मैंने पेज खोला हुआ है, यहाँ पर जो है होम के बटन पर इंडेक्स वाला पेज को मैंने दिया हुआ है। अबाउट अस का पेज बनाऊँगा, इस पर लिंक दे दूँगा। अबाउट अस का सर्विसेज का पेज पर सर्विसेज का लिंक दे दूँगा। पेजेस में आके मैं यहाँ पर होटल एंड रिसोर्ट्स, टूर इन्फॉर्मेशन और गैलरी, ये तीन अलग अलग व्यूज़ बनाऊंगा और उसको इनके साथ लिंक कर दूंगा। इस तरह से पैकेजेस पे क्लिक करने में पैकेजेस का लिंक दे दूंगा, कॉन्टेक्ट अस पे कॉन्टेक्ट के पेज लिंक पे कॉन्टेक्ट अस के पेज का लिंक दे दूंगा। और लॉगिन पे डायरेक्टली मैंने वही एडमिन वाला लॉगिन क्लिक किया, व्यू दिया हुआ है, और देखिए मैं इसको क्लिक करेंगे हमें एडमिन के व्यू पर ले जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि मैंने यूज़र के लिए कोई लॉगिन का अकाउंट नहीं बनाया। यूज़र जब कोई भी सर्विस से पैकेज वगैरह जो है वो सबमिट करेगा तो दोनों सूरत में उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पास करूँगा, और उसके लिए कोई लॉगिन की ज़रूरत नहीं। इस तरह की वेबसाइट पर लॉगिन यूज़र के लिए नहीं बनाया जाता, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब इसके हवाले से किस तरह से मैंने टेक्स्ट किया, कोड क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो टेम्पलेट डाउनलोड किया, उन टेम्पलेट के साथ मुझे एक फ़ोल्डर मिला था, वो उसको मैंने वेब के फोल्डर के अंदर सारे फोल्डर्स को ऐड कर दिए हैं। CSS का फोल्डर था जिसमें CSS मौजूद थी, उस टेम्पलेट के अंदर फॉन्ट्स के अंदर फॉन्ट मौजूद था, इमेजेस में इमेजेस सारी मौजूद थी, और इस तरह जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट मौजूद थी। तो ये सब को मैंने एक जगह इकट्ठा करके वेब के अंदर रख दिया, ताकि मैं आसानी से लिंक पास कर सकूँ। ठीक है जी, अच्छा ये पेजेस वगैरह की ज़रूरत नहीं थी आगे इसके साथ, लेकिन बाद में इसको मैं डिलीट कर दूँगा। मैंने एक मास्टर पेज बनाया है, मैंने लेआउट का पेज बनाया है, और लेआउट का पेज हमें पता है कि हम जो है वो शेयर के अंदर बनाते हैं, तो ये मैंने यूज़र लेआउट पेज बनाया। यूज़र लेआउट पेज के अंदर मैंने ऊपर का स्लाइडर मैंने उसके अंदर पास कर दिया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें हटा दी हैं। वैसे तो मैं टेम्पलेट से उठाया है, लेकिन मैंने बहुत सारी, अब देखें जिसमें टेम्पलेट के साथ मैं इंडेक्स और अचीवमेंट का पेज मिला ना, अब ये पूरा मौजूद है इसके अंदर। अब डायरेक्टली जो है वो लिंक दिया हुआ है, W3 स्कूल का लेआउट का लिंक है, और इसके अलावा जितने भी हमारे पेजेस वगैरह है उसको डायरेक्टली लिंक दिए हुए हैं। तो मैंने यहीं से कोड कॉपी किया है, और अपने पास मैंने पास के जो जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड थी, यानी अब जैसे मुझे यहाँ पे स्लाइडर मैंने जो है वो लेआउट के पेज पे दिया है, ये सब मैंने लेआउट पेज पे दिया, यहाँ तक मैंने लेआउट पेज बनाया है। अबाउट अस जो आ रहा है ये मैंने जो है इंडेक्स वाले पेज से, इस समझ यहाँ से मेरा इंडेक्स का पेज स्टार्ट हो रहा है, और इंडेक्स का पेज मेरा जो है वो यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, यानी होम पेज मेरा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और फूटर भी मेरा लेआउट के पेज से आ रहा है, यानी ये फूटर
और इसके अलावा ये स्लाइडर और यहाँ तक ये मैंने जो है उठाया है अपना लेआउट के पेज से, यानी हर पेज के ऊपर, जिसके ऊपर भी मैं लेआउट के पेज का लिंक दूंगा उस पर ये एरिया आ जाएगा, साथ में ये फुटर भी आ जाएगा। और बीच वाला हमारा पेज जो है वो हमारे रेंडर बॉडी के मेथड के थ्रू मैंने जो है वो इंडेक्स वाले पेज पे दिया है, इसलिए हर पेज मेरा इस जगह पे आके इम्प्लीमेंट होगा। तो हर पेज पे जिसमें मैं चाहूँगा स्लाइडर आ जाए और ये हिस्सा ये पार्ट आ जाए तो, और फुटर भी आ जाए तो उसको मैं उस लेआउट पेज का पार्ट बनाऊँगा, जिसमें मैं नहीं देना चाहता हूँ तो उसको मैं नल कर दूँगा, मतलब विदाउट किसी लेआउट के पेज के आएगा। तो मैंने क्या किया, लेआउट वाले पेज पर मैं आपको दिखाता हूँ, लेआउट वाले पेज के ऊपर मैंने स्लाइडर पास किया है। स्लाइडर के अंदर मैंने यहाँ पर जो है वो इमेजेस वगैरह सी एस एस यहाँ पास की हुई है, फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा हेडर आ रहा है, जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी उसको मैंने जो है कमेंट कर दिया। और इस तरीके से जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो मेन्यू बार दिया हुआ है। मेन्यू बार में सिंपल मैंने एक्शन का मेथड यूज़ किया, जो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, यूआरएल डॉट एक्शन का मेथड, जिसमें व्यू का नाम देते हैं। अगर व्यू हमारा उसी कंट्रोलर के अंदर ही है तो फिर हमें कंट्रोलर का नाम देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ व्यू का नाम देते हैं। लेकिन जहाँ हमारे कंट्रोलर चेंज हो जाए, जैसे ये वाला हमारा चेंज हो रहा है एडमिन का, इंडेक्स जो व्यू था वो बेसिकली एडमिन के कंट्रोलर में था, तो फिर आपको यहाँ कॉमन लगा के उस कंट्रोलर का नाम देना होता है। लेकिन जहाँ भी अगर हमारे पास उसी सेम कंट्रोलर में है तो फिर हमें नाम देने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ और सिर्फ अपने व्यू का नाम यहाँ पास करते हैं। तो यहाँ मैंने व्यू का नाम भी दे रहा हूँ और साथ में जो है मैं यहाँ पे अपने कंट्रोलर का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि वो मेरे इस यूज़र के लिए जो मैंने लेआउट बनाया है, यूज़र के लिए जो मैंने कंट्रोलर बनाया है, यूज़र कंट्रोलर जो मैंने बनाया है उसमें ये हमारे पास इंडेक्स नहीं है, ये एडमिन के अंदर मौजूद है, जो हम पहले इससे पहले बना चुके हैं। तो इसलिए जो लॉगिन करने पे जो हमें लेके जा रहा है वो एडमिन के पेज पे लेके जा रहा है, तो एडमिन के कंट्रोलर में उसके इंडेक्स पे लेके जा रहा है जिसके ऊपर मैंने जो है लॉगिन कंट्रोल बनाया हुआ था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है वो सिंपल उसी अकॉर्डिंग है, यहाँ पे जो है सिंपल पेजेस का नाम दिए हुए थे, जो यहाँ पे इसने पेजेस दिए हुए हैं, इन पेजेस को लिंक दिए हुए थे, मैंने उसकी जगह उसको हटा के URL डॉट एक्शन करके अपने व्यूज़ का नाम यहाँ पास कर दिया है। तो मैं साथ साथ बनाता रहूँगा और बना के जो इसके अंदर मैं इम्प्लीमेंट करता रहूँगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके अलावा जो यहाँ पे हमने जो ड्रॉप डाउन जो बना जो पेजेस के अंदर, तो पेजेस मैंने यहाँ पे दिए, पेजेस मैंने ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है और उस ड्रॉप डाउन के अंदर मैंने जो है यहाँ पे होटल एंड रिसोर्स टूर इन्फॉर्मेशन और गैलरी हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन के थ्रू हमारे पास आ रही है। जो पेजेस है पेजेस के अंदर जो ड्रॉप डाउन आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो इसके ऊपर भी मैं लिंक दूंगा और उसके बाद देखें यहाँ लिंक पास करके और लिंक के अंदर जो भी पेज देना होगा मैं साथ साथ पेज दूंगा। तो अभी मैंने सिर्फ गैलरी का दिया है और इसके लिए जब मैं पेजेस में लिंक व्यू बनाऊंगा, अभी तो गैलरी का भी नहीं बनाया, तो इसके बीच इसी तरह से जो है लिंक देना होगा। मैंने इसे एक आपको दिखाने के लिए बना दिया है कि URL डॉट एक्शन करके और गैलरी अपने व्यू का नाम दे देंगे और जो हमारे पास डिस्प्ले होगा और इसके ऊपर डायरेक्टली हमें उस लिंक के ऊपर पास कर देगा। तो ये सब मेन्यू जो बनेंगे पे लिंक इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो सिंपल एक टेक्स्ट लिखा है जैसे टेबल जो है और जो हमारे पास यहाँ सर्चिंग आ रहा है, अच्छा सॉरी, ये जो मेरे पास टेक्स्ट लिखा रहा है 15 मिनट्स टू द ट्रेवल, लेट्स फाइंड सम ब्यूटीफुल प्लेसेस, ये मैंने जो है यहाँ पे जो है वो पास कर दिया है। देखें ट्रेवल द वे पहला वाला आएगा, यानी इस पिक्चर के साथ ये जो बैनर की पिक्चर आएगी तो उसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, इसके बाद उसके नीचे ये लाइन में लिखा हुआ आएगा और उसमें अबाउट और कॉन्टेक्ट का पेज जो लिंक जो दिया हुआ है सही वाला है, अबाउट और कॉन्टेक्ट वाला जो है कॉन्टेक्ट का, ये रीड मोर पे अबाउट वाला मैंने पेज खुलवाऊंगा और कॉन्टेक्ट उस पर जो है कॉन्टेक्ट वाला पेज खुलवाऊंगा, तो वो भी मैंने यहाँ पास कर दिया और साथ में अपने व्यूज़ का नाम दिया। ये सब कॉपी हो जाएगा बैनर इन्फो एजाइल W3LS में लाइब्रेरी क्लास यूज़ की है CSS की। ऐसे ऐसे जो दूसरी पिक्चर आएगी उस पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, उस पर भी ये दोनों ही मैंने अबाउट और कॉन्टेक्ट वाला वही सेम रखा है, कॉपी पेस्ट किया है। तीसरी पिक्चर पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, इस तरह जो चौथी पिक्चर आएगी उस पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा और साथ में यहाँ पे लिंक भी होगा। अगर हमें नहीं देना हो तो हम इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लुक एंड फील हो रहा है क्योंकि टूर की गाइड है तो हम चाहते हैं यूज़र फ़ौरन आए तो उसके लिए कहीं उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ सामने उसके सामने ओपनली नज़र आए। टेम्पलेट इतना अच्छा नहीं, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, कोई टाइम इतना नहीं था। आप अगर अच्छे से अच्छा टेम्पलेट नेट पर मौजूद है उसको देखें और उस पर काम करें तो अच्छे से अच्छा काम हो जाएगा इसके अंदर। फिर इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो अपना लिस्ट वगैरह जो पास की हुई है। अच्छा, ये जो फेसबुक वगैरह के जो आइकन आ रहे हैं ये फेसबुक ट्विटर का और ये बेसिकली यहाँ से आ रहा है। देखें ये जो आइकन्स आ रहे हैं ये आइकन यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसके ऊपर ID भी पास कर सकते हो। अच्छा, फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो है वो जो हमारे पास जो है वो सर्चिंग के लिए जो मैंने बनाया हुआ है, ये सर्च के लिए जो बनाया हुआ है, ये हमारे पास एक ईमेल बॉक्स बनाया है, साथ में जो है वो हमने सिलेक्शन बॉक्स लिया और सिलेक्शन बॉक्स में जो हमारे पास जो लिखा हुआ आ रहा है वो मैंने यहीं पे पास किया है।
और यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स मैंने पास कर दिया और यहाँ पे ईमेल बॉक्स पास कर दिया। ईमेल बॉक्स में मैंने वैलिडेशन लगा दी है ईमेल पैटर्न की, ईमेल का पैटर्न होगा तो एक्सेप्ट करेगा अदरवाइज नहीं करेगा। एक सिंपल सबमिट का बटन बनाया है, इसके ऊपर जो है बाद में लिंक दे दूँगा पेज का, और ये जो हमें बाकी इन्फॉर्मेशन चाहे तो हम दूसरे पेज पर मिल जाएगी। तो ये मैंने जो उठाया ये हमने हेडर बनाया इस तरह से। यहाँ पर मैं रेंडर बॉडी अपना टैग पास कर दिया है स्क्रिप्ट में, तो रेंडर बॉडी मैंने यहाँ पे टैग पास कर दिया है, सो दैट मेरा जो इंडेक्स वाला पेज है वो यहाँ पे जितने भी पेजेस होंगे वो इस जगह पे इंप्लीमेंट होंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हमारा फूटर स्टार्ट हो जाएगा, और फूटर में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया है, यानी जो उसका अपना टेम्पलेट था उसी टेम्पलेट में जो कोड था वही मैंने पास कर दिया, जहाँ नहीं चाहिए था उसको मैंने कमेंट्स कर दिया, बाकी मैंने सारा चला दिया। फिर जो मैंने इंडेक्स वाला पेज बनाया, इंडेक्स वाला पेज बनाने के लिए सिंपल मैंने होम कंट्रोलर के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे सॉरी यूज़र कंट्रोलर के अंदर कुछ भी नहीं किया, एक यूज़र कंट्रोलर बनाया है जो बाय डिफॉल्ट हमें एक इंडेक्स का मेथड देता है, और उसी पे मैं राइट क्लिक करके ऐड व्यू किया, और ऐड व्यू करते हुए उसको मैंने अपने इस टेम्पलेट का यूज़र लेआउट पैनल का जो है टेम्पलेट मैंने जो है वो सर्च करके दे दिया ताकि वो इसी पर इम्प्लीमेंट हो। तो जब हमारा ये बनेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो जो है वो हमारे इस पर इसका लिंक दे देगा, किसका मतलब है कि ये इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है, किसी टेबल के साथ मैंने इसको बाइंड नहीं किया, ज़रूरत भी नहीं है। ये जैसे हमारे एक होम पेज हो गया जिसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसके हमारे हमें कोई प्रोग्रामिंग या कोड से इसको नहीं चलाना है, इंडेक्स वाले पेज को सिर्फ उसे लेआउट देना है, तो इसलिए मैंने इसको कुछ किसी भी अपने एंटिटीज़ के साथ इसको लिंक नहीं किया है, ना डेटाबेस ना टेबल के साथ लिंक किया है, सिंपल मैंने यहाँ पास कर दिया। इसके अंदर यहाँ पे जो है अबाउट अस और ये पिक्चर पास किया, ये पिक्चर मैंने बैनर की पिक्चर में से उठाई है, यानी बैनर्स की जहाँ जो पिक्चर है उसमें से एक पिक्चर यहाँ उठा ली है। तो और इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट जो है नेट से मैंने उठाया है, कुछ मैंने लिखा कॉपी पेस्ट किया नेट से, और रीड मोर के ऊपर भी जो नया जो मैं पेज खोलूँगा उसमें भी अबाउट अस के बारे में मैं नेट से सर उठा लूँगा, क्योंकि ये तो आपने जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो क्लाइंट आपको मटेरियल देता है आप तो उसको पास करोगे। इस तरह सर्विसेज के अंदर भी मैंने यहाँ तीन अलग अलग पिक्चर्स लगाई हुई हैं, और उसके ऊपर भी जो है वो टेक्स्ट लिख के, और यहाँ पर मैं उसको सर्विस से लिंक कर दूँगा, और यहाँ भी मैं तीन पिक्चर्स लगा के, और इसके ऊपर चाहे तो हम इसको लिंक बना सकते हैं। तो ये मैं इंडेक्स वाले पेज पे काम किया है, इंडेक्स वाले पेज पे सिंपल मैंने यहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट लिख दिया है, फिर इमेज मैंने पास कर दी है, बैनर वन की इमेज ये वही है जो हमारे स्लाइडर पे आ रही है, स्लाइडर में बैनर वन बैनर टू और बैनर फोर ये तीन पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पर बैनर वन वाली जो पिक्चर होगी, जो भी बैनर में हम पिक्चर चेंज करेंगे वो पिक्चर यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी, ठीक है जी। इस तरीके से जो है हमारे पास जो है मैंने एयर के लिए सर्विसेज के अंदर एयर के लिए एक पिक्चर ले ली है, कुछ टैक्स नेट से उठा लिया है, फिर इसी तरीके से मैंने जो है वो ट्रेन के लिए फिर बस के लिए तीनों के लिए अलग अलग पिक्चर्स पास कर दिए। ये नेट से कोड उठाया है, वो इंडेक्स वाले पेज पे लिखा हुआ था, उसको मैंने सिर्फ वहाँ से काटा है, और इसके बाद उस काट के मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने इंडेक्स में के लेआउट में पास कर दिया, जिसको मैं हेडर और फूटर बनाना चाहता था उसको मैंने लेआउट पर पास कर दिया। तो इस तरीके से मैंने उसी एक इंडेक्स वाले जो मेरे को यहाँ से मिला था इंडेक्स और एचटीएमएल उसी को मैंने ब्रेक करके और इसको दो हिस्सों में कर दिया। तो ये सारी चीज़ें इस तरह आपने इम्प्लीमेंट करनी है, अच्छे से अच्छा नेट पे टेम्पलेट मौजूद है, इसको आप देखिए इम्प्लीमेंट करें, यहाँ तक काम करें। फिर तो इसके बाद हम जो है वो एंटिटीज़ पे आते हैं, जो डेटाबेस पे हमने जो सर्विसेज ऐड की थी, जो पैकेजेस ऐड किए थे, उस हवाले से जो है मैं यहाँ पे उसके पेजेस बनाता हूँ इसके बाद।